ये वेब सीरीज रिलीज होने के बाद में उसकी उस दुनिया के बारे में हर कोई बात कर रहा है, जहाँ पे नवाबों की अय्याशी उनके घर की महिलाओं ने सहर्ज स्वीकार किए हैं। वैसे तो उस जमाने में तवायफों को महफिल सजाने के लिए ही बुलाया जाता था। उस जमाने के हाल ही ऐसे थे कि उनसे अलग किस्म की कोई ख्वाहिश क्यों रख सकता था। लेकिन हीरा मंडी की इस दुनिया में तवायफों को मेहमानों की तरह आमंत्रित किया जाता है, उन्हें इज्जत बख्शी जाती है और इस बात पे किसी को आपत्ति भी नहीं होती है। ऐसा आचार विचारों और व्यवहार हीरा मंडी की काल्पनिक दुनिया में ही संभव हो सकता है। अगर गंगू काठियोड़े की दुनिया से हम सबको संजय लीला बंसली रूबरू करा सकते हैं, तो हीरा मंडी की दुनिया बसाना उनके लिए दाएं हाथ का खेल है। संजय लीला बंसली हीरा मंडी इस वेब सीरीज में नवाबों की एक तरफा दुनिया और तवायफों की ओवरऑल दबदबे के बारे में बात करते हुए दिखाई देते है। कहानी की शुरुआत लाहौर के हीरा मंडी बाजार से आजादी के पहले का दौर दिखाते हुए होती है। कहानी के सेंटर में हीरा मंडी बाजार की तवायफ तीन बहनें होती है। उनमें से बड़ी बहन रेहाना है, जो अपनी छोटी बहन मल्लिका के छोटे बेटे को बेच देती है। रेहाना बाद में मल्लिका को भी बेचने की बात करती है। इससे तिलमिल गई मल्लिका रेहाना को गला घोटकर मार देती है। इस हत्याकांड में युवा साहब जुल्फिकार भी उसका साथ देते है। दूसरी ओर रेहाना और मल्लिका की छोटी बहन वहीदा और रेहाना की 9 साल की बेटी फरदीन इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह होते हैं। मल्लिका आगे जाते हुए उस पे किए जुल्मों का हिसाब लगाते हुए फरदीन को भी बेच देती है और वो हीरा मंडी कोटे की इकलौती मालकिन बन जाती है। सत्ता के पीछे इतनी पागल हो जाती है कि अपनी बेटियों से अम्मी की जगह हुजूर कहलाना पसंद करती है। उम्र दराज हो गई मल्लिका अपनी छोटी बेटी आलमजेब को अपने पूरे कोटे की सत्ता सौंपना चाहती है, लेकिन आलमजेब तो इस सारे झमेले से दूर रहना चाहती है। वो शायरी की शौकीन होती है, उसे जिंदगी हंसते खेलते हुए गुजारना पसंद होता है। नवाबों की एक महफिल में उसकी मुलाकात ताजदार से होती है। दोनों को भी पहली नजर में प्यार हो जाता है। इसी दौरान फरदीन भी बड़ी हो जाती है और अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए मल्लिका की बेटी भोर वली मोहब्बत को छीन लेती है। विभोजन आजादी की लड़ाई में चोरी छुपे हिस्सा ले रही थी। इस बात की मल्लिका को कानो कान खबर नहीं थी। बदले की इस लड़ाई में फरदीन आलमजेब और ताजदार को अपना मोहरा बना लेती है। हीरा मंडी की उत्तराधिकार की लड़ाई में मल्लिका जान और बदले की आग में जल रही फरदीन, इन दोनों के बीच में कौन किसको शिकस्त देगा, इससे पे हीरा मंडी इस वेब सीरीज के कहानी का मेन फोकस देखने को मिलता है। हीरा मंडी हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है। दूर सपनों की दुनिया में हमें ले जाके पागल करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हीरा मंडी की दुनिया में तवायफों की कदर बहुत ही सशक्त और शक्तिशाली देखने को मिलते हैं। हर तवायफ का एक साहब होता है और यही बात यहाँ पे और भी ज्यादा खटकती है। हालांकि वेब सीरीज की स्क्रिप्ट में बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है। कहानी का वो लाहौर का दौर उर्दू शायरी का था, लेकिन वहाँ की जुबान में शायरी और मिठास की कमी झलकती रहती है। कहानी कब फ्लैशबैक से वर्तमान में आ गई ये भी समझ में नहीं आता है। लज्जो कहाँ से आते हैं कुछ पता नहीं चलता है। मल्लिका लगातार वहीदा को अपमानित करती रहती है। अपमानों की तली दबी हुई वहीदा बदला लेने के लिए तैयार रहती है, लेकिन उसमें वो जज्बा देखने को नहीं मिलता है। अध्ययन सुमन के किरदार में भी कोई दिलचस्पी देखने को नहीं मिलती है। हीरा मंडी का अखबार कहे जाने वाले उस्ताद भी हीरा मंडी के लिए कहाँ कहाँ से लड़कियाँ लाता है वो भी इतनी आसानी से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। तवायफों की जिंदगी की शान शौकत तो संजय लीला बंसली दिखा पाए है, लेकिन उनकी असल जिंदगी में संजय ठीक से उतर नहीं पाया ऐसा लगता है। ताजदार को छोड़ के बाकी सब नवाब बहुत ही कमजोर देखने को मिलते हैं। सीरीज का मुख्य आकर्षण मनीषा कोरेला और सोनाक्षी सिन्हा देखने को मिलती है। मनीषा ने मल्लिका जान के किरदार में खुद को डाला है और उसके डायलॉग पे भी खास तौर पे काम किया है। वैसे तो उनके अभिनय में खासी प्रतिभा पहले ही देखने को मिली थी, लेकिन इस वेब सीरीज में उनके अभिनय की खास चमक देखने को मिली है। सोनाक्षी सिन्हा को पहली बार अपने अभिनय के करियर में ग्रे किरदार निभाने का मौका मिला है। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए उसने इस किरदार के लिए अभिनय से 4 चांद लगा दिए है। आलमजेब के किरदार में भी शर्मिन शहगल मासूमियत की उस हद को छू जाते हैं जितनी उस किरदार की मांग थी। प्रेम, ताकत, विश्वासघात और संघर्ष और स्वतंत्रता के इस संग्राम में संजय लीला भंसाली थोड़ी चूक कर गए ऐसा लगता है। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रुआ चलेगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रुआ के साथ में और एक नई वेब सीरीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।